subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. कुमकुम भाग्य में इन दिनों प्रज्ञा और अभी के भाग्य ने ले लिया है फैसला कि वो हर हाल में उनको मिलाकर ही रहेगा। तभी तो रिसेंट ट्रैक को देख लीजिए, जहां शो में देखने को मिला किस तरह से एक मंगलसूत्र की वजह से वो दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ जाते हैं। मंगलसूत्र प्रज्ञा के गले में फंस जाता है कि तभी अभी उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो बीते हुए पलों को याद करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि ये सब तनु जब देखती है तो उसको बहुत सारी जलन हो जाती है और वो अपना गुस्सा बरसा देती है प्रज्ञा पर, उसको खरी खोटी सुना देती है। साथ ही वो देती है उसको चुनौती कि अगर वो आज भी अभी से प्यार नहीं करती है तो प्रूफ करके दिखाए। तो चलिए बीते ट्रैक के साथ ही आपको जानकारी दे आने वाले ट्रैक के बारे में, जहां पर हमारी कुछ लीडिंग वेबसाइट का कहना है कि जल्द ही शो में प्रज्ञा के पास एक कॉल आने वाला है, जिस कॉल को सुनते ही उसके होश उड़ने वाले हैं और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि बुलबुल का होगा। जी हाँ, एक बार फिर से शो में बुलबुल की एंट्री होने वाली है और इस बार ये एंट्री होगी प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा ही बुलबुल को लेकर आएगी, तो अब आगे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जब बुलबुल की एंट्री शो में हो जाती है तो दिशा और पूरब के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है, साथ ही शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। बल्कि इतने एक्साइटेड हैं आप इस खबर को लेकर, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ निज़ुम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.